जिला मंडी में विशेषता जो शहरी क्षेत्र हैं हमारे एक साथ, वहाँ पर एक एक्सटेंसिव सर्वे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से हमने रिसेंटली करवाया है। इस सर्वे के माध्यम से हमारा लक्ष्य था कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनका खुद का रोज़गार है, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी स्थिति देखी जाए कि उनको इस लॉकडाउन के पीरियड में जो रिलैक्सेशंस दिए उसका उनको फ़ायदा हुआ है और क्या वो फिर से काम पे लग गए हैं नहीं लगे। इसका डेटा जो हमने कलेक्ट किया है, इसमें कुल मिलाकर 6400 फैमिलीज़ को हमने सर्वे किया है, जिसमें कि 24,000 के करीब लोग इसमें शामिल हैं और उन हर फैमिली की हमने आर्थिक स्थिति भी इस सर्वे के माध्यम से देखी है। साथ में उनको पीएम किसान तथा बीपीएल श्रेणी में अगर वो है नहीं है, इसको भी हमने उनसे देखा है कि वो उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। प्लस जो रोज़गार उनका चला है, वो क्या रोज़गार बिल्कुल ही बंद है या वो चला है तो कितना चला है, इस तरह की एक सर्वे हमने किया है। हमने फैसला लिया है कि सर्वे के आधार पर जो भी लोगों को इस तरह की बेनिफिट नहीं मिला है, चाहे पीएम किसान के माध्यम से हो, चाहे बीपीएल में वो नहीं हो या उनका रोज़गार भी ठीक से नहीं चल रहा हो, उन लोगों को एक राशन का असिस्टेंस हम इन सभी लोगों को देंगे। ये शहरी क्षेत्र में इस तरह के जो आइडेंटिफिकेशन ने किया है, उन लोगों को ये लाभ थोड़ी सी सहायता प्रोवाइड करने का हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ ये ग्रामीण एरिया में भी ये सर्वे वीडियोज़ के माध्यम से चला हुआ है, वीडियोज़ कर रहे हैं, पर क्योंकि ग्रामीण एरिया में मनरेगा जोरों शोरों से काम कर रहा है, इसके लिए सभी लोगों को वहाँ पर एब्जॉर्ब करने का हमारा प्रयास रहेगा। उसके बाद भी अगर कुछ लोग उसमें रह जाते हैं तो उनके लिए भी सहायता प्रशासन द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। आज जिला मंडी में एक मैटर हमारे सामने आया है, जिसमें कि एक महिला 15 तारीख को दिल्ली से यहाँ पर हमारे पास आए थे और उनके परिवार के लोगों से बात करके उनको उनके कहने पे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटिंडी में रखा गया था। उनकी आज अचानक सुबह तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वो पहले से ही थोड़े बीमार चल रहे थे, तो जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से नियर चौक मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्योंकि आजकल दौर जो कोरोना वायरस का है, ये भी इसको रूल आउट करने के लिए उनका सैंपल कलेक्ट किया गया, वो सैंपल जो उनका टेस्ट किया गया वो नेगेटिव आया है, क्योंकि उनकी जो पहले से ही बीमारी थी उस वजह से ही उनकी मृत्यु हुई है।